दिव्यांगों की सेवा करने से भगवान की पूजा से बढ़कर पुण्य मिलता है। विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, विधायक ने किया दिव्यांगों को रजाई व बर्तन वितरण व बुद्धा एल्बिनो फाउंडेशन का उद्घाटन। राजतालाब स्थित संपूर्ण वाटिका में पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगी राज सिंह पटेल की अध्यक्षता में बुद्धा एल्बिनो फाउंडेशन का उद्घाटन एवं दिव्यांग जन सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा की महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने महात्मा गौतम बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर किया। इसके पश्चात कस्तूरबा सेवा समिति की ओर से चयनित असहाय दिव्यांगजनों को सम्मानित करते हुए उनको टोपी मोजा रजाई के अलावा बर्तन का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने बुद्धा एल्बिनो फाउंडेशन का उद्घाटन किया और सभी पदाधिकारियों को अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बुद्धा एल्बिनो फाउंडेशन के प्रमुख राजेश पटेल ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर पल्लवी पटेल ने महात्मा गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए दिव्यांगजनों की सेवा करने से भगवान की पूजा से अधिक पुण्य मिलता है। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर गगन यादव, राधेश्याम पटेल, पंकज सेठ, रामलाल पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। यूपी वाराणसी से रवि कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। ये लड़ाई जो यहाँ आज हम लोग जुटे हैं और जो लड़ाई हम लोग ने छेड़ी है वो तो पूंजीवार होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जा चुकी हैं। वहां से आदमी मुड़ना नहीं चाहता, वो हम हो, आप हो, समाज हो, लेकिन ये लड़ाई जो कुछ साथियों द्वारा शुरू की गई है, हमें उम्मीद है कि निश्चित दिन एक दिन हम लोग उस मुकाम पे पहुंचेंगे। कस्तूरबा सेवा समिति, भारतीय किसान यूनियन और जिसका उद्घाटन हमने किया है बुद्धा एल्बिनो फाउंडेशन, आपका तहे दिल से बार बार आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने एक मौका दिया कि आज हम आपके बीच में पहुंच कर अपने कुछ विचार आपके बीच में रख सके। इस कार्यक्रम का नाम एक बार जरा दोहरा दीजिए, जन सम्मान समारोह। मेरे एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिए और उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगी। जब भगवान दिव्य है, जब भगवान की भक्ति दिव्य है, तो जिनको इस देश में और इस समाज ने परिभाषित दिव्यांग जन के नाम से किया है, उनको समाज से काट करके दूर रखने का क्या प्रश्न है? ये सोचना होगा हमको कि दिव्य अगर भगवान है तो ये लोग भी अपने आप में दिव्य है, इनको भी समाज की मुख्य धारा में होना चाहिए और हर वो चीज पर इनका अधिकार है जो भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिपिबद्ध किए गए उस संविधान में, जिनके दो हाथ हैं, जिनके दो पैर हैं, जिनकी दो आंखें हैं, जिनको हम कहते हैं आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तरफ लगे हुए समाज के वो लोग, वो महापुरुष, चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हों, चाहे फातिमा शेख जी हों, ज्योतिबा फूले साहब हों, सावित्री बाई फूले हों, मानवर काशीराम जी हों, राम स्वरूप वर्मा जी हों, सरदार पटेल जी हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल हों, फूलन देवी जी हों, या जिनके विचारों में आस्था हम रखते हैं तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी, ऐसे तमाम महापुरुषों के चरणों में अपना शीश झुकाकर नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में संरचना में जिनको शूद्र कह के दबाने का काम किया गया है, अगर उनको संविधान में लिखे हुए उस विशेष अवसर को दे करके आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो आपके ऊपर जातीयता का स्टैंप लग जाता है, एकदम से भूत मंडराने लगता है और क्या कहते हैं कि आप जाति के नाम पर लूटपाट करने वाले लोग, आप जाति के नाम पर लोगों की हकवारी करने वाले लोग हो, जबकि वास्तविकता ये है कि लड़ाई है ही इस बात की कि जब बहुजन इस देश की रीढ़ की हड्डी है तो इस देश के रोजगार,
इस देश की पढ़ाई, इस देश की दवाई, इस देश का सदन, इस देश का खजाना और इस देश के सड़कों पर इन बहुजनों का राज होना चाहिए। उन पर आजकल धार्मिक होने की होड़ लगी हुई है। धर्म के नाम पर कौन किससे बड़ा धर्म का पाखंड कर रहा है, इसकी होड़ लगी हुई है। धर्म और ईश्वर जो दिव्य है उसको भव्य बनाया जा रहा है ना। भगवान की दिव्यता कॉरिडोर बनने से कम नहीं होती, वो पहले भी वैसी ही थी और काशी अपनी उसी दिव्यता के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। काशी ध्यान के लिए, मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए, तर्क के लिए और दर्शन के लिए मशहूर है, ना कि कॉरिडोर के लिए। कॉरिडोर के नाम पे तो सिर्फ इस देश में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है। वो संपदा, वो खजाना जो बहुजनों के उत्थान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो गलियारे चमकाने के नाम पे इस्तेमाल हो रहा है।